हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारा चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि रिलेटेड रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर साइंटिफिक पोजीशन, जो कि आईसीएमआर ने रिलीज किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया रिक्रूटमेंट फॉर नोटिस फॉर साइंटिफिक पोजीशन, और जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो आईसीएमआर के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने एप्लीकेशन मांगा है वो साइंटिफिक पोजीशन के लिए मांगा है। तो हम आपको यहाँ पे पोस्ट बता देते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो मेडिकल रहेंगे, नॉन मेडिकल दोनों पोस्ट हैं, और यहाँ पे साइंटिस्ट ई और साइंटिस्ट डी, तो ये सारी जो वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट ई की 42 वैकेंसी है, साइंटिस्ट ई नॉन मेडिकल की 1 है, साइंटिस्ट डी मेडिकल और 6 जो है साइंटिस्ट डी नॉन मेडिकल की है। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी में मेंशन कर रखा है। साथ ही यहाँ देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट साइंटिस्ट ई मेडिकल इन द पे लेवल 30, तो यहाँ पे देखिए पे लेवल ही मेंशन किया है 1,23,100 टू 2,15,900। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें साइंटिस्ट डी की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 42 है और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है एमडी एमएस डीएनबी और इक्विवेलेंट डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपको जो है मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेवल ही मेंशन कर रखा है 42 वैकेंसीज का। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी वो यहाँ पे मेंशन की रखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च द्वारका न्यू दिल्ली एनआईएमआर, तो यहाँ पे देखिए 1 वैकेंसी है। तो देखें यहाँ पे जो टोटल 42 वैकेंसी है वो आईसीएमआर के जितने भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो है 1-1 या 2-2 करके वैकेंसी को निकाला गया है। बात करें अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड इंटरनल डिजीज कोलकाता है, तो यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसी है और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका कम्युनिटी मेडिसिन या पीएसएम या पब्लिक हेल्थ में होना चाहिए। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे आप जो है टोटल 42 वैकेंसी जो है साइंटिस्ट की यहाँ पे दे रखी है। तो ऐसे आप देख सकते हैं आप कि कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसी है और वहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशन मांगा जा रहा है। सबसे ज्यादा देखिए आईसीएमआर हेडक्वार्टर्स में न्यू दिल्ली, यहाँ पे 11 वैकेंसी है और यहाँ पर भी जो स्पेशलाइजेशन मांगा जा रहा है वो ये कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम पब्लिक हेल्थ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइंटिस्ट ही नॉन मेडिकल। तो अब यहाँ पे जो नॉन मेडिकल की वैकेंसी, यहाँ पे देखिए पे लेवल 13 है और यहाँ पे जो आपका पे लेवल रहेगा 1,23,100 टू 2,15,900। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही वैकेंसी नॉन मेडिकल ग्रुप की, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास पीजी डिग्री होना चाहिए विद पीएचडी या मैंडेटरी। तो अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पीएचडी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ पे 6 ईयर का आरएनडी एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपका एज लिमिट 50 ईयर्स मांगी गई है। हम बात कर ले साइंटिस्ट डी की मेडिकल पोस्ट, तो देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट डी की जो मेडिकल पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखी। तो साइंटिस्ट डी की जो नंबर वैकेंसी वो 16 है। यहाँ पर भी आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एमडी एमएस एनबी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे अपर एज लिमिट 45 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपने एमबीबीएस डिग्री है आपके पास और साथ में आपने कहीं से पीएचडी किया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए ये तो 16 वैकेंसीज ऑफ साइंटिस्ट डी मेडिकल है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो नंबर वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी। देखिए राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो है मेडिकल ग्रुप की वैकेंसी है। तो अगर आप मेडिकल ग्रुप से आपने अपना पीजी किया है या आपने के पास एमडी एमएस है या एमबीबीएस डिग्री विद पीएचडी है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें नॉन मेडिकल साइंटिस्ट डी के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो आईसीएमआर हेडक्वार्टर्स में पोजिशन निकाली गई है और जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी वो 6 है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास पीजी डिग्री होना चाहिए विद पीएचडी, यहाँ पे मैंडेटरी है और आपका जो लाइक कि पीएचडी होना चाहिए वो आपका सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, बायोलॉजी या बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मोटनी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है स्पेशलाइजेशन भी मांगा है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा वो 1,500 रुपीज पे करना होगा फॉर एससी एसटी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एससी एसटी वुमेन के लिए पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कोई भी फी पेमेंट नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो सिर्फ जनरल या ओबीसी वालों को पे करना है। वहीं अगर आप एससी एसटी वुमेन या पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी को पे नहीं करना है। अब आप बात करते हैं आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है डायरेक्टली recruit.icma.org.in पे जाके आप जो है यहाँ पे अपना सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है और सेंड कर देना है बाय पोस्ट और ईच पोस्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेपरेट एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए करना पड़ेगा और आपके जो एप्लीकेशन फी होगी वो भी डिफरेंट रहेगी।
अब देखिए आप अपने एप्लीकेशन के साथ आपको तीन चीजें अपलोड करनी है, पहला प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड जो रहेगा वो आपका आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पीएचडी विल बी कंसीडर फोर ईयर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने पीएचडी की है तो आपका पीएचडी जो है वो फोर ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा। भले अगर आपने 7 ईयर भी पीएचडी 7 ईयर में कंप्लीट किया तो आपको 7 ईयर नहीं, आपका सिर्फ 4 ईयर जो है वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जो है वो करना है, पे करना है। और यहाँ पे आपको एक चीज है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, मतलब आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना है और यहाँ पे कोई भी आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करें शॉर्टलिस्ट कैसे आपको किया जाएगा, तो कैंडिडेट हु फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी शॉर्टलिस्ट। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपको आपकी एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो है लाइक इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉल ऑल ऑफ देम फॉर इंटरव्यू देन द आईसीएमआर शैल फर्दर शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ हाई एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो आईसीएमआर है अगर वो शॉर्टलिस्ट करने में उसे थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए अगर आपके पास जो है हायर एक्सपीरियंस है तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके मान लीजिए कि आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अगर आपको 5 ईयर यानी 2 मेंबर्स हैं, एक को 8 ईयर का एक्सपीरियंस है एक को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 8 ईयर के जैसे एक्सपीरियंस है उसे जो है आईसीएमआर प्रेफर करेगा और उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।